पद्मतीर्थम पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ा पवित्र तालाब पद्मतीर्थम निसंदेह तिरुवनंतपुरम के सबसे पुराने तालाबों में से एक है। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि तीसरी शताब्दी की अनंतपुरम वर्णनम नामक रचना में उल्लिखित अनंत तीर्थम की पहचान पद्मतीर्थम के साथ की जा सकती है, लेकिन मध्यकाल के अभिलेखों से इस बात का खुलासा होता है कि इस तालाब को कभी दर्पकुलम के नाम से जाना जाता था। अनिरम तिरुनाल मार्थंड वर्मा के अंतर्गत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उद्भव के साथ प्राकृतिक झरनों के जल से सिंचित इस छोटे से दर्पकुलम का विस्तार हुआ, जिसके सटीक आयाम की जानकारी मदिलगम अभिलेखों में मिल सकती है। इस तरह पुराने जमाने के दर्पकुलम का आज के पद्मतीर्थम में रूपांतरण का कार्य 18वीं शताब्दी के दौरान शुरू किया गया था। कहा जाता है कि मुरजपम और लक्षदीपम त्योहारों के आरंभ के कारण ही इस तालाब का विस्तार किया गया था। इन त्योहारों में पूरे केरल भर से अनगिनत विद्वान और सम्मानित व्यक्ति शामिल होते थे। इसके अलावा इस तालाब में कोचार नामक एक नहर के माध्यम से किल्ली नदी में मरुतम कुड़ियाणा से ताजे पानी की लगातार आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। कोचार का मतलब है छोटी नदी। पद्मतीर्थम से संबंधित 18वीं शताब्दी के अभिलेखों में तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तालाब के चारों तरफ मंडपम या पेवेलियन और नहाने के घाटों का निर्माण भी इसी समय के दौरान किया गया था। आरंभिक दिनों के दौरान प्रत्येक मुरजपम त्योहार से पहले तालाब के पानी को निकालकर उसके ताल को अच्छी तरह साफ किया जाता था और वहां समुद्र तट का ताजा बालू डाला जाता था। पद्म तीर्थम के दूषित पानी को पुत्तरी कंडम में स्थित एक बड़े तालाब में दोनों जल निकायों को जोड़ने वाले एक जल मार्ग के माध्यम से निकाला जाता था। बाद में पद्म तीर्थम से निकलने वाले दूषित जल को पूर्वी सड़क के किनारे दक्षिण पूर्व में स्थित नजदीकी पात्र कुलम से जोड़ दिया जाता था। पात्र कुलम के निकास द्वार से निकलने वाले पानी को तिक्किनाम करत्तोड़ो में निकाला जाता था। पद्म तीर्थम ऐतिहासिक तिरुवनंतपुरम के सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज भी यह प्राचीन तालाब किला क्षेत्र और उसके परिवेश के इतिहास का एक मूक गवाह है। वर्तमान में यह तालाब आधुनिक शहरी संदर्भ में हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।